हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरी रियल लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं लेसन ऑन स्पाइसेस ऑफ इंडिया में एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन किसी स्पाइस पर नहीं है और ना ही किसी हर्ब पर। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है इस लीफी वेजिटेबल पर। ये जो आपके सामने है, ये जो पत्ते, ये है खानियारी साग, और इसे दिल्ली एनसीआर में सारे वेंडर्स हाक कहकर ही बेचते हैं। और मुझे नहीं पता वो इसे हाक क्यों कहते हैं, पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कश्मीरी लैंग्वेज में हाक का मतलब होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि साग। तो ये देखिए, इस पत्तों को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़े इसमें से आपको ये थोड़े येलो टर्न भी नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा पुराने हो रहे हैं, जबकि यहां देखिए पूरे ये पूरी तरह से ग्रीन है। और उसके रेशे ऑब्जर्व कीजिए, और इसमें ना हल्का सा जैसे झुर्रियां होती है ना, रिंकल्स, वो भी होती हैं। और ये साग की पहचान है, और इसे इंग्लिश में कोलार्ड ग्रीन के नाम से जाना जाता है। और ये सब्जी यानी कि ये हरा साग एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है, जिसका बोटानिकल नेम है ब्रसिका ओलेरेसिया। ये जो ब्रसिका ओलेरेसिया जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आती है, जिसमें बंद गोभी, केल, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स और बहुत सारी सब्जियां आती हैं। और इसका जो इस्तेमाल है कश्मीरी लोग एवरीडे करते हैं, वो इसको वेज में एज अ साग बना के खाते हैं, वो नॉन वेज के साथ भी कंबाइन करते हैं। और ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत मात्रा में विटामिन के भी होता है। ये जो साग है ये क्रूसीफेरस फैमिली का पार्ट है। क्रूसीफेरस वो फैमिली है जिसमें मस्टर्ड ग्रीन्स, कॉलीफ्लावर्स और बहुत किस्म की सब्जियां आती हैं। और वो सारी सब्जियां माना जाता है कि कैंसर से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक तत्व से भरपूर साग है। इंडिया में कश्मीर के साथ साथ ये दुनिया भर में भी बहुत पॉपुलर है। ये ब्राजील में, पोर्चुगल में, स्पेन में और सदर्न यूरोप में बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। सेहत के खजाना इस साग को थोड़े ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये देखिए कैसे नीचे ये गांठ होती है और पत्तों में ये झुर्रियां होती हैं। और पत्ते ये तो थोड़े हल्के ग्रीन है, पर से थोड़े डार्क ग्रीन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दिल्ली एनसीआर में ये अक्सर सर्दियों के टाइम में मिलते हैं, और हम इसे जब भी ये मिलते हैं इसे जरूर कंज्यूम करते हैं। और ये देखिए, ये इसका साग है, और ये इसी तरह से लिक्विडी तरह से हम बनाकर खाते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपी आपको YouTube में मिल जाएंगी, पर ये हमने सबसे पहले एक कश्मीरी रेस्टोरेंट में ही खाया था, शेफ चॉइस पे। तब उसके बाद हमने उसे जब पूछा तो उसने हमें साग का नाम बताया, और तब से हम इसे हर सर्दी में हमेशा बनाकर खा रहे हैं। और इस साग की रेसिपी हमारी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड ने शेयर की थी, जो खुद भी कश्मीर से हैं। अगर ये साग आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप जरूर बना के खाइए, और अगर आपके पास बड़ा एरिया है तो आप इजीली इसे कल्टीवेट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से उग जाता है, इसके सीड्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसके सीड्स आपको कश्मीरी बाजार में ऑनलाइन बहुत रीजनेबल प्राइस में, अंडर 50 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप सेहत का खजाना, ये ग्रीन वेजिटेबल अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वहां से इजीली परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसकी बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब में अवेलेबल हैं। यदि आप इस तरह की सूपी साग की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने रेसिपी रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप इसको वहां से देख के इजीली बना सकते हैं। इस साग को हम अपने घर में अक्सर स्टीम राइस के साथ ही खाते हैं, और कश्मीर में भी इसका कंजम्पशन अक्सर राइस डिशेस के साथ ही किया जाता है। एंड आई होप मेरी आज की इन्फॉर्मेशन ऑन दिस लीफी वेजिटेबल आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर एवरीडे लाइफ।